मिशन साथ में कर सकते हैं। सो आर यू इन और आर यू आउट? दोस्तों, क्या आपको पठान फिल्म के रिलीज के पहले पता था आखिर शाहरुख खान की फिल्म पठान, जिसको लेकर माना जा रहा था पठान फिल्म 2023 की बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म होगी, लेकिन फिल्म ने रिलीज होते ही एकदम से वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए और कलेक्शन भी बदल दिए, क्योंकि फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस से लेकर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रही। वही फिल्म बॉलीवुड के हिंदी लैंग्वेज की अब तक की इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। लेकिन शाहरुख खान के हेटर्स की बात करें तो उनकी फिलहाल फटी पड़ी है और शायद काफी दिनों से उनकी सोशल मीडिया पर बायकॉट पोस्ट देखने को नहीं मिली। आखिर क्यों नहीं मिली, आपके दिमाग में यह ख्याल जरूर होगा। तो हम आपको बताते हैं, पठान फिल्म अभी तक अपने 10 दिनों में हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 370 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। वहीं फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी 384 करोड़ 15 लाख रुपए कमाए, जिसमें हिंदी, तमिल, तेलुगु शामिल है। लेकिन इसके साथ पठान फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि पठान फिल्म ने ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया। वो फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 740 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने में कामयाब रही, जो शाहरुख खान के हेटर्स के मुंह पर काफी बड़ा तमाचा है, जिस वजह से हो सकता है शाहरुख खान की फिल्म पठान के हेटर्स आपको सोशल मीडिया पर अब शायद ही देखने को मिले। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको शाहरुख खान की फिल्म पठान के हेटर्स आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाते हैं, तो आप शाहरुख खान के हेटर्स को क्या सीख देंगे और क्या उनको कमेंट में लिखेंगे, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। इसी के साथ आपको क्या लगता है, पठान फिल्म लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन पाएगी या नहीं? अगर हाँ, तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट मिलती रहेगी सबसे पहले।